हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो भाई अब फाइनल रिपोर्ट आ चुका है, क्या गोल्डवर डब्ल्यू वाली कंपनी के अंदर रहने वाला है या फिर डब्ल्यू वाली कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे ट्रैवल चिप रोमर एज बचपन में किसके फैन थे ये भी रिवील हो चुका है और उन्होंने भी ट्रॉल कर दिया रोमर एज को। सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई चैनल पर पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना भाई, सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यू के बैकलेस पेपर व्यू के बारे में, जो कि आपको कुछ भी एक बात देखने को मिलेगा डब्ल्यू के अंदर। करेंट टाइम में जो इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट निकल कर सामने, उसके अकॉर्डिंग बैकलेस पेपर व्यू पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। टोटल जो टिकट सेल हुआ है 17,390 टिकट, और टोटल जो बैकलेस पेपर व्यू का जो कैपेसिटी था वो टोटल इतना ही था। वैसे मैंने ऑलरेडी कल अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो भी अपलोड कर जिसके अंदर बैकलेस के अंदर कितने मैचेस होने वाले, सारे 100% कंफर्म है, आपको मैच बताऊं। ऐसे दो ही मैच अभी फिलहाल अनाउंस हो चुका है, इसके बाद आप सारे लोग वो वीडियो भी सारे लोग जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस वीक का मंडे नाइट रॉ के बारे में। एक्चुअली बहुत सारे डब्ल्यू के रेसलर इस वीक का मंडे नाइट रॉ से बहुत ज्यादा अनहैप्पी, स्पेशली यहाँ पर फीमेल रेसलर बहुत ज्यादा अनहैप्पी है। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि डैमेज कंट्रोल का एक्चुअली एक सेगमेंट वालों ने उस सेगमेंट को पूरा कैंसिल कर दो। सिर्फ डैमेज कंट्रोल का सेगमेंट नहीं कैंसिल हुआ, और भी बहुत ज्यादा फीमेल रेसलर का सेगमेंट बैक स्टेज का कैंसिल हुआ। भाई मुझे प्रॉब्लम यही लगता है कि अगर फीमेल रेसलर का बहुत ज्यादा अगर प्रोमो वगैरह दिखा दिया जाएगा तो भाई मंडे नाइट रॉ को सो ही बकवास हो जाता है। जैसे अगर आपको याद होगा तो इस वीक का मंडे नाइट रॉ को मैं पर्सनली बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, उसके अंदर फीमेल रेसलर का बहुत ज्यादा मैचेस वगैरह नहीं थे, इसलिए मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा था। पर आप लोग उसका नेगेटिव साइड देख सकते हो, वुमेन्स डिवीजन के बहुत सारे रेसलर जो फीमेल है वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी है। वैसे मेरे ख्याल से इनका स्टोरी लाइन सिर्फ डेवलप करना होगा, इसके अलावा कोई और उपाय इसका नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्ली के बारे में, जिन्होंने रिसेंट आगे पॉडकास्ट में इस बात को रिवील किया कि वो ब्लड लाइन को ज्वाइन करना चाहते थे। वो बताते कि पहले डब्ल्यू का सबसे बड़ा फ्रैक्शन ब्लड लाइन था, पर अब ब्लड लाइन है, अब जजमेंट डे है, तो अब मैं बिल्कुल भी जजमेंट डे को छोड़कर मैं ब्लड लाइन के अंदर नहीं जाने वाला हूं। पर अगर ब्लड लाइन अगर सबसे टॉप का फ्रैक्शन होता तो मैं ब्लड लाइन के अंदर जाने का कोशिश करती। वैसे मैं सही बता रहा हूं, रिया रिप्ली जैसा अगर वुमेन्स रेसलर अगर आ जाए ब्लड लाइन के अंदर तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा होने वाला है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं किसी को होने वाला, क्योंकि आपने कल का वीडियो के अंदर देखा होगा केविन ओवेंस का उन्होंने क्या हाल किया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने ट्रैवल चिप रोमन रेंज के बारे में, जिनको सोशल मीडिया के ऊपर ट्री से स्टेटस ने ट्रॉल कर दिया। क्या बीटीएस स्पोर्ट्स वाले ने इस फोटो को ट्विटर के ऊपर शेयर किया और बताया कि रोमन रेंज एक टाइम पर बहुत ज्यादा बड़ा फैन था ट्रीस स्टेटस का, और रोमन रेंज ने इवन यहाँ पर ट्रीस स्टेटस का कार्डबोर्ड के ऊपर एक पूरा फोटो लगाया था, उसके अंदर वो फोटो वगैरह भी शेयर किया। उसके ऊपर ट्रीस स्टेटस ने रीट्वीट करके लिखा एटलीस्ट एक्नॉलेज मी। अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक न्यूज नहीं था, पर हाँ आप लोगों को ये पता चल गया कि रोमन रेंज बचपन में किसके फैन थे। नेक्स्ट बात करते हैं इस साल का ड्राफ्ट के बारे में, जो कि आपको जस्ट दो वीक बाद देखने को मिलेगा मंडे नाइट रॉ के ऊपर, उसके बाद स्मैकडाउन के ऊपर आई थिंक 28 तारीख को देखने को मिलेगा मंडे नाइट रॉ के ऊपर। इसके रिगार्डिंग रिसेंट टाइम में जो रिपोर्ट निकलकर सामने, उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली आपको एनएक्सटी के बहुत सारे रेसलर शायद ड्राफ्ट होते हुए देख सकते हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर या फिर स्मैकडाउन को। यहाँ पर जो सबसे पहला नाम निकलकर सामने आ रहा है वो आ रहा है ब्रॉन ब्रेकर का, जो कि करंट टाइम में आ सकता है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। देखना ये हो कि ट्रिपल एच आखिर कितने सारे रेसलर को लेके आते हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर या फिर स्मैकडाउन, क्योंकि आपको पता होगा 5 से 6 महीने पहले ट्रिपल एच जब पावर के अंदर वापस आए थे भाई एनएक्सटी के बहुत सारे रेसलर आए थे मंडे नाइट रॉ के ऊपर, बहुत सारे आई थिंक 8 से 10। नेक्स्ट बात करते हैं अपने एलेक्सा ब्लेस के बारे में, जिनके बारे में बहुत बड़ा बैड न्यूज निकलकर सामने। एक्चुअली डब्ल्यू कंपनी अंदर कोई बात ही नहीं कर रही एलेक्सा ब्लेस के रिटर्न के बारे में। मेरे ख्याल से क्या हो रहा है, जब से डब्ल्यू कंपनी बीके मतलब कोई भी इम्प्लॉय अंदर जो है खुश नहीं है, बहुत ज्यादा 100% एफर्ट नहीं लगा रहा है। करंट टाइम में एलेक्सा ब्लेस बिल्कुल रिटर्न करने के लिए तैयार है, पर डब्ल्यू वाले कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहे, कोई भी उनको बुलाने का कोशिश नहीं कर रहे। आपको अगर एलेक्सा ब्लेस अगर ड्राफ्ट के अंदर देखने को मिले तो अच्छा बात है, नहीं तो आपको एलेक्सा ब्लेस 2-3 महीने आपको देखने को नहीं मिले। वैसे मैं सही बताऊं तो आई थिंक 2 या 3 साल से एलेक्सा ब्लेस के साथ डब्ल्यू के अंदर कुछ भी चीज अच्छा नहीं, मतलब अगर इनके साथ सबसे बुरा अगर कुछ हुआ तो जब ये ब्रेवाइट के साथ अलाइन हुए तो उसके बाद हुआ था। मतलब ब्रेवाइट तो काफी अच्छा उनको पुश मिला था उस टाइम पर भी, पर इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं अपने बॉबी रूट के बारे में। अगर आप लोग को नहीं पता ये कौन है तो भाई करेंट टाइम में डब्ल्यू के एक रेसलर है, करेंट टाइम में बहुत दिन से इंजर्ड है। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले साल 2022 के अंदर ओमोस के साथ इनको फाइट होते हुए इंजरी हुआ था, या फिर रोमर के साथ स्टोरी लाइन के अंदर ये इन्वॉल्व था, उसके बाद इनको इंजरी हुआ। और करेंट टाइम में जो रिपोर्ट निकल कर सामने उसके अकॉर्डिंग अभी तक बॉबी रूट को डब्ल्यू के अंदर रिटर्न कर जाना चाहिए था, पर अभी करेंट टाइम में नहीं रिटर्न किया, क्योंकि भाई अभी भी इनको काफी अच्छा लंबा टाइम चाहिए रिकवरी के लिए। इनका रिकवरी का जितना टाइम एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा टाइम इनको लग चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी करेंट टाइम में आप लोग बी को देख लो, एजे स्टाइल को देख लो, रैंडी ऑर्टन को देख लो। वैसे मैं आपको बता दूं इनका कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यू कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक, अगर आपको नहीं पता तो जो भी रेसलर अगर इंजर्ड होता है तो भाई उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में बढ़ जाता है। मतलब अगर बॉबी रूट अगर 1 साल तक इंजर्ड है तो भाई 1 साल इनका ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में बढ़ जाएगा डब्ल्यू कंपनी की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस के बारे में, जिनका मैच इस बार का मंडे नाइट रॉ के ऊपर मिज के साथ हुआ था। इसके रिगार्डिंग करेंट टाइम में जो रिपोर्ट निकल कर सामने उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली बैक स्टेज बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया सेथ रॉलिंस को मिज को इस मैच को देने के लिए। वैसे भाई ओवरऑल बात वही हो जाता है कि सेथ रॉलिंस कितना भी अच्छा मैच डिलीवर करे पर इनको स्टोरी लाइन में प्रोग्रेस होना चाहिए। अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट तक वेट करना, ड्राफ्ट के बाद आई थिंक सेथ रॉलिंस का बहुत अच्छा स्टोरी लाइन हमें देखने को मिल सकता है। वैसे आप लोग के माइंड में ये सवाल जरूर आया हो कि भाई डब्ल्यू वाले ने एलडब्ल्यू फ्रैक्शन आखिर क्यों बनाया, इसके पीछे का प्रोबेबली क्या रीजन है ये भी निकल कर सामने है। एक्चुअली सिर्फ बैकलेस के अंदर रे मिस्टर और डोमिनिक मिस्टर का जो फ्यूड है उसको बहुत अच्छा दिखाना है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू वाले ने ये पूरा ड्रामा किया। इसके अलावा एलडब्ल्यू जो फ्रैक्शन है उसका कोई भी नहीं काम है। एक्चुअली रे मिस्टर के साइड पर कोई भी नहीं था, उस साइड जजमेंट था, इसलिए डब्ल्यू वाले ने इक्वल करने के लिए एलडब्ल्यू फ्रैक्शन को बनाई है। तो चलिए अब हम लोग आराम से बात कर लेते हैं आज के मेन टॉपिक के बारे में, जो कि जुड़ा है द बिल गोल्डवर सिलेंडर। क्या गोल्डवर डब्ल्यू कंपनी के अंदर रिटर्न करने वाले या फिर
नहीं रिटर्न करने वाले। तो भाई देखो, अगर आपको इसका अगर सही आंसर सुनना है तो मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलूंगा, अब आपको गोल्डवर डब्ल्यूएल कंपनी के अंदर आपको कभी भी नहीं देखने को मिल सकते। और इसका करंट टाइम में चांसेस बताया जा रहा है 90% चांस है कि गोल्डवर आपको डब्ल्यूएल कंपनी के अंदर नहीं देखने को मिल सकते। एक्जेक्टली हुआ क्या, मैं आपको सारा चीज समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए, गोल्डवर को लास्ट मैच डब्ल्यूएल कंपनी के अंदर ही चाहिए, ये बात सारे लोगों को पता है, पर कोई भी बात नहीं करना इंटरनल इसके बारे में। इवन आपको बिलीव नहीं होगा, इस मंथ का रेसलमेनिया वीक के अंदर गोल्डवर गए थे इंटरनल सारे लोगों से मिलने की मुझे एक रिटायर्डमेंट मैच चाहिए डब्ल्यूएल कंपनी के अंदर। एज फॉर रिपोर्ट उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब डब्ल्यूएल कंपनी अब ओवर हो चुकी है गोल्डवर से। आपको गोल्डवर और डब्ल्यूएल कंपनी के अंदर अपना रिटायर्डमेंट मैच रेसल करते हुए अब नहीं दिख सकते, मेरे ख्याल से अब नहीं दिख सकते। देखिए, ये बात तो सारे लोगों को पता है, डब्ल्यूएल के एम्प्लॉय को ही ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, गोल्डवर अपना लास्ट मैच रेसल करने ही करने वाले। साथ ही साथ उनको ये बात भी पता है कि डब्ल्यूएल कंपनी के अंदर वो नहीं रेसल करने वाला, तो सीधे एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जाने वाले। उसके बाद भी डब्ल्यूएल कंपनी एक भी अप्रोच नहीं किया, मतलब इसका मतलब ये फाइनल है कि अब डब्ल्यूएल कंपनी को गोल्डवर से कोई मतलब नहीं, एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जाए उसके बाद भी गोल्डवर से कोई उनको मतलब नहीं। अगर आपको नहीं पता तो 2019 के अंदर एज का रिटर्न डब्ल्यूएल वाले इसलिए अपने कंपनी के अंदर कराए थे ताकि एज एडब्ल्यू कंपनी के अंदर ना चले, क्योंकि उनको पता था कि एज बहुत बड़े एक रेसलर है, अगर वो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर चले जाएंगे तो भाई बहुत ज्यादा डब्ल्यूएल कंपनी का लॉस होने वाला है। अब शायद गोल्डवर डब्ल्यूएल कंपनी के लिए उस लेवल का रेसलर है नहीं, इसलिए डब्ल्यूएल वाले अपने कंपनी के अंदर इनको रिटर्न नहीं करवा रहे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसको डब्ल्यूएल वाले ने खुद से बोला कि नहीं भाई तू अब मेरे कंपनी के अंदर नहीं आ सकते। जैसे फॉर एग्जांपल रिक फ्लेयर को देख लो, वो लास्ट मैच नहीं डब्ल्यूएल के अंदर रेसल कर पाए थे। जैसे स्टिंग को देख लो, 2014 या 15 के अंदर स्टिंग को रिटायर कर दी थी डब्ल्यूएल वाले। तो भाई मैं आपको सारा चीज इसलिए समझा रहा हूं कि अब आपको गोल्डवर डब्ल्यूएल कंपनी के अंदर शायद अब आपको नहीं देखने को मिल सकते, इसका 90% चांसेस है। गोल्डवर को अगर अपना लास्ट मैच रेसल करना तो उनको एडब्ल्यू कंपनी के अंदर ही जाना होगा, एडब्ल्यू कंपनी के अंदर वो जाने वाले। वैसे मैं डेफिनेटली कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि मुझे एडब्ल्यू का शो देखना होगा, पर हां अब मैं डेफिनेटली एडब्ल्यू का शो मैं देखूंगा, मतलब गोल्डवर का मैं मैच देखूंगा। और आपको शायद एडब्ल्यू के अंदर गोल्डवर वर्सेस सीएम पंक का भी मैच देखने को मिल सकता है। वैसे आप क्या गोल्डवर के लिए डब्ल्यूएल कंपनी छोड़कर एडब्ल्यू जाकर देखने वाले हो, सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपने बैकलेस का सारे मैचेस का लिस्ट नहीं देखा तो भाई इसके बाद सारे लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, बहुत कमाल का वीडियो। और अगर आप लोग को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना भाई, सारे लोग इंस्टाग्राम को पर आ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।